हेलो। जो आज की जो हमारी कहानी है वो है द स्टोन एंजल। जो स्टोन एंजल है ये मार्गरेट लोरेंस के द्वारा लिखी गई जो कहानी है वो है। जो मार्गरेट लोरेंस है ये कैनेडियन राइटर हैं। इनका जन्म जुलाई 1826 को हुआ और इनकी डेथ जनवरी 5, 1985 में हुई। तो इसमें आज हम द स्टोन एंजल जो कहानी है उसके बारे में जानने वाले हैं। आज जो हमारी कहानी है वो है द स्टोन एंजल। जो स्टोन एंजल है ये मार्गरेट लोरेंस के द्वारा लिखी गई जो कहानी है वो है। जो मार्गरेट लोरेंस है ये कैनेडियन राइटर हैं और जो ये अपना वर्क है द स्टोन एंजल ये 1964 में पब्लिश हुआ। तो इसमें हम जो अपनी जो कहानी है उसको जानने वाले हैं। इसमें जो कहानी है वो हैगर सिप्ले से रिलेटेड है। जो हैगर सिप्ले है ये एक 90 ईयर ओल्ड जो वूमेन है वो है और ये अपनी कहानी को सुनाती है। जो हैगर सिप्ले है वो अपनी कहानी को सुनाती है कि वो अपने जो बड़े सन है मार्विन और जो उनकी बहू है डोरिस सिप्ले उनके साथ रहती है। और एक दिन जो हैगर सिप्ले है उसने जो मार्विन है और डोरिस है उनको बात करते हुए सुना। जो अपनी हैगर है ये एक 90 ईयर ओल्ड जो वूमेन है वो है। इसकी वजह से जो इसको हेल्थ इश्यू है वो रहते हैं। इसको बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो रहती हैं। तो ये बोलती है कि मैं अपने जो सन है मार्विन और डोरिस लेसिंग इनके साथ रहती हूँ, लेकिन एक दिन मैंने जो मार्विन और डोरिस है उनको बात करते हुए सुना कि वो ये दोनों मुझे एक जो नर्सिंग होम है उसमें भेजना चाहते हैं और मुझे जो नर्सिंग होम है उसमें रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जो नर्सिंग होम है वो एक जो डेथ का सिंबल है वो है और इसकी वजह से जो मैं अपने सन का जो घर है उसको छोड़कर चली जाती हूँ और मैं रात को एक जो ओल्ड जो पुराने जो फैक्ट्री है उसमें चली जाती हूँ। इसमें जो हैगर सिप्ले है वो अपने सन की जो घर है उसको छोड़कर चली जाती है और एक पुराने से जो फैक्ट्री है उसमें चली जाती है। और जब वो पुराने से फैक्ट्री में चली जाती है तो उसे वहाँ पर मोरेलीज का एक मैन मिलता है। जो मोरेलीज है ये एक स्ट्रेंजर है, लेकिन ये दोनों के दोनों जो अपने पास्ट के जो इवेंट है उनको एक दूसरे के साथ शेयर करने लग जाते हैं। तो जो हैगर सिप्ले है वो मोरेलीज को बोलती है मैं जो अपनी लाइफ है इसमें एक बहुत ही ज़्यादा जो इमोशनलेस वूमेन है उसके रूप में जो अपनी लाइफ है उसको जी है मैं वो अपनी लाइफ के बारे में बताते हुए वो अपने जो पास्ट के जो सीन है उनको कन्फेस करती है। अपने जो पास्ट के जो बहुत सारे जो उसने जो भी एक्टिविटी की है उनके बारे में वो मुरेलीज को बोलती है और जो मुरेलीज है उसको अपनी पास्ट की कहानी को सुनाते हुए वो बोलती है वो मुरेलीज को बताती है कि मैं अपने जो फादर जैसन क्री है उनके साथ साथ रहती थी। मैं जो अपना मेरा जो फादर है जैसन क्री वो एक बहुत ही बड़ा जो बिजनेसमैन था होता वो अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा जो सक्सेसफुल मैन था वो था। और जो मेरा फादर था वो एक जो डोमिनेटिव पर्सनैलिटी वाला मैन था वो था और वो अपनी लाइफ में बहुत ही जो अपने डिसीजन है उनको अपने ही वे से वो लेता था। वो किसी की भी बात को सुनता नहीं था और सारे के सारे जो मेरे फादर के जो गुण हैं वो मेरे अंदर आ जाते हैं। तो हैगर आगे बताती है कि मैं अपने फादर के साथ जो अपनी फैमिली है उसमें बड़ी हुई हूँ। जब मेरा जन्म हुआ था तो जो मेरा जन्म हुआ तो उस टाइम पर जो मेरी मदर है उसकी डेथ हो जाती है। तो मेरी फैमिली में मेरा जो फादर है जैसन क्री और जो मेरे दो भाई है वही थे और मेरी फैमिली में कोई भी जो वुमेन है वो नहीं थी। और इसकी वजह से जो मेरी पर्सनैलिटी है वो बिल्कुल ही अलग हो जाती है। मैं जो सारे के सारे जो वुमेन की जो क्वालिटी है उनको खो देती हूँ। मैं एक बहुत ही ज़्यादा जो डोमिनेटिव जो वुमेन है उसकी जो लाइफ है वो जीने लग जाती हूँ। मैं अपने जो डिसीजन है वो खुद ही लेती हूँ। मैं किसी और की कोई भी बात नहीं सुनती हूँ। अपनी फैमिली के बारे में बताते हुए बोलती है कि जब मैं छोटी थी तो जो मेरे दो भाई थे वो थे जो मेरा बड़ा भाई था उसका नाम डैनक्री था और जो मेरा छोटा भाई था उसका नाम मैटक्री था। और जो मैटक्री और डैनक्री है इनके बारे में जो नॉवल है इसमें ज़्यादा बताया नहीं गया है। इसमें सिर्फ यही बताया गया है कि जो डैनक्री और मैटक्री हैं इनकी जो डेथ है वो जल्दी हो जाती है। तो जो हैगर है वो बोलती है कि मैं अपनी लाइफ को बहुत ही जो डोमिनेटिव वे से जीती हूँ। तो एक बार जो मेरा भाई है वो बीमार हो जाता है तो जो मैटक्री है वो बीमार हो जाता है और वो अपनी जो लाइफ है उसमें जो लास्ट मोमेंट है उनमें होता है। तो जो मैटकरी है वो बोलते हैं कि मैं अपना लास्ट टाइम जो अपनी मदर है उनकी जो परछाई है उनकी उसको मैं देखना चाहता हूँ। तो इसकी वजह से जो डैनक्री है वो हैगर सिप्ले के पास आता है और जो हैगर सिप्ले है उसको बोलते हैं कि जो अपना भाई है मैटकरी वो मरने वाला है और लास्ट टाइम वो
जो अपने मदर है उसको वो देखना चाहता है, और इसमें तुम अपने जो भाई है उसकी जो हेल्प कर सकती हो। तो वो बोलती है कि मैं अपने भाई की हेल्प कैसे करती कर सकती हूँ। तो जो डैनक्री है बोलता है कि तुम्हें जो मैटक्री है उसके सामने, जो अपनी मदर है उसकी ड्रेस में जो मैटक्री है उसके सामने जाना होगा। तो जो हैगर सिकले है उसको ये बोला जाता है कि जो अपनी मदर है उसकी तरह बनकर तुम्हें जो मैटक्री है उसके सामने जाना होगा। तो जो हैगर सिकले है उसको ये आइडिया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, उसे ये बहुत ही ज़्यादा जो ओड है वो लगता है, और बोलती है कि नहीं नहीं मैं ऐसे कुछ भी करने वाले नहीं हूँ, और वो मना कर देती है। इसके बाद जो हैगर है हमें ये पता चलता है कि वो किसी भी वे से जो उसे अच्छा नहीं लगता है उसको करने वाले नहीं है, तो उसके एटीट्यूड का पता चलता है। और इसके बाद वो जो अपनी मदर है उसके उसके जो उस वे में वो अपने जो भाई है मेट कर उसके पास नहीं जाती है, और उसके भाई की डेथ हो जाती है। और इसके बाद हमें जो हैगर सिकली है और जैसन क्री है इसके बारे में और भी बातें पता चलती है। तो जो जैसन क्री था उसको जो हैगर सिकली थी वो बहुत ही ज़्यादा पसंद थी। वो भी जो हैगर सिकली है उसको अपनी तरह एक जो बिजनेस है उसमें बहुत ही बड़ा जो बिजनेस वूमेन है वो बनाना चाहता था, उसे जो बिजनेस है उसमें वो इन्वॉल्व करना चाहता था। तो जो जैसन क्री है वो अपनी जो डॉटर है हैगर सिकली उसको बोलता है कि तुम जो मेरा बिजनेस है उसमें तुम मेरे साथ काम कर सकती हो, और वो हैगर सिपले को, तो जो जैसन क्री है वो हैगर सिपले को जो अपने बिजनेस है उसमें इन्वॉल्व होने के लिए बोलता है। वो बोलता है कि तुम जो मेरा बिजनेस है उसमें पार्टिसिपेट कर सकती हो, तुम जो अपनी जॉब है वो अपने बिजनेस में कर सकती हो, और इस बिजनेस में तुम मेरी हेल्प के साथ जो एक बहुत ही अच्छी जो बिजनेस वूमेन है वो बन सकती हो। लेकिन जो हैगर है उसको टीचर बनना था, तो वो अपने फादर को उसके द्वारा जो आइडिया दिया गया था कि तुम जो जो मेरा बिजनेस है उसमें काम कर सकती हो, तो वो मना कर देती है। वो बोलती है कि नहीं फादर, मैं तुम्हारे साथ जो तुम्हारा बिजनेस है उसमें किसी तरह का जो इन्वॉल्वमेंट है वो नहीं करना चाहती हूँ, मैं एक टीचर बनना चाहती हूँ, मैं अपनी जो लाइफ है उसको फ्रीडम के साथ जीना चाहती हूँ। इसके साथ जो जैसन क्री और जो हैगर सिपले हैं उनमें लड़ाई भी हो जाती है। तो ये सारे की सारी जो बातें हैं, हैगर जो उसको स्ट्रेंजर मिला था उसको ये सारी की सारी बातें बोलती हैं कि जो मेरा एटीट्यूड था वो बहुत ही ज़्यादा अलग हो गया था, और मैंने अपने जो फादर है उसकी बात को भी नहीं माना था। आगे की कहानी बताते हुए हैगर सिकले बोलती है कि मुझे एक ब्रैम नाम का एक बंदा मिलता है, जो ब्रैम है मुझे उसे देखते ही लव हो जाता है, और मैं अपने फादर के पास पहुंच जाती हूँ और बोलती हूँ कि फादर मुझे जो ब्रैम है उसके साथ जो मैरिज है वो करनी है। तो जो हैगर है वो अपना जो डिसीजन है अपने फादर को बोलती है, लेकिन जो फादर है उसको जो ब्रैम है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि जो ब्रैम है वो एक पुअर मैन है, जो इसका फादर है वो एक फार्मर है, और जो ब्रैम है वो हॉर्स राइडिंग करने वाला है, वो सिर्फ जो हॉर्स राइडिंग है इसी में वो खुश रहता है, वो और कोई ज़्यादा काम नहीं करता है। इसकी वजह से जो फादर है वो ब्रैम के साथ जो हैगर की मैरिज उसके लिए मना कर देता है, लेकिन जो हैगर है ये अपने डिसीजन के साथ किसी तरह का जो कंप्रोमाइज है वो नहीं करती है। इसकी वजह से वो अपने फादर के साथ जो लड़ाई है वो करती है, और उसके फादर की जो इच्छा है उसके विरुद्ध में जो ब्रैम है उसके साथ जो मैरिज है वो कर लेती है। लेकिन उसको अपनी जो मैरिज है उसके कुछ ही साल के बाद पता चल जाता है कि जो ब्रैम है उसके साथ उसकी जो किसी तरह की जो अटैचमेंट है वो नहीं है। जो हैगर है वो एक बहुत ही ज़्यादा जो क्रिएटिव वूमेन थी वो थी, लेकिन जो ब्रैम था वो एक जो सुस्त बंदा था वो था। और जो हैगर है वो बोलती है कि जो एक मैरिज लाइफ होती है उसमें जो हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशनशिप होता है उसमें जो वुमेन है उसको जो अपना अपना जो हस्बैंड है उसके सामने जो उसकी तारीफ है वो करनी चाहिए, लेकिन मैं किसी भी तरह से जो ब्रैम है उसकी तारीफ़ नहीं करती थी। मुझे जो कभी भी जो अपनी लाइफ है उसमें मैंने ब्रैम की जो तारीफ़ है वो नहीं की, और मैं अगर मैं किसी तरह से जो ब्रैम है उसको खुद से सुपीरियर प्रेजेंट करती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं वीक हो गई हूँ। तो इसकी वजह से मैंने कभी भी जो ब्रैम है उसकी तारीफ़ नहीं की, और इसकी वजह से जो हमारा जो रिलेशनशिप था उसमें जो खटास है वो आ जाती है। और एक और वो इंसिडेंट को बताती है कि जो ब्रैम था उसको हॉर्स राइडिंग का जो बहुत ही ज़्यादा जो शौक था वो था, और उस एक बार जो ब्रैम है उसका एक बहुत ही जो फेवरेट जो हॉर्स है वो मर जाता है, और उस टाइम जो ब्रैम है उसको एक जो इमोशनल सपोर्ट है उसकी ज़रूरत थी, लेकिन मुझे जो इमोशनल सपोर्ट है इमोशन को प्रेजेंट करना नहीं आता था। तो मैंने किसी भी वे से जो ब्रैम है उसके साथ किसी तरह की जो कन्वर्सेशन है हॉर्स रिलेटेड वो नहीं की। इसकी वजह से हमारे बीच में जो दूरी है वो और भी ज़्यादा बढ़ गई। और वो कहानी को बताते हुए बोलती है कि जो मेरा और ब्रैम के जो दो सन थे वो थे, तो इसमें हम आगे जो उसके सन है उसके बारे में भी जान लेते हैं।
अब जो हैगर है वो बताती है कि जो मेरे दो बेटे थे वो थे, जो मेरा बड़ा बेटा था मेरे बड़े बेटे का नाम मार्विन था, और जो छोटा बेटा था मेरे छोटे बेटे का नाम जोन था। और मेरी मेरे जो हस्बैंड है ब्रह्म, उसके साथ किसी भी तरह से नहीं बनती रही, हमारे में बीच में कोई भी जो इमोशनल अटैचमेंट नहीं था। इसकी वजह से मैंने जो अपने हस्बैंड है ब्रह्म उससे अलग होने की सोच ली, और मैंने जो अपना छोटा बेटा है जोन से उसको अपने साथ ले लिया, और जो मार्विन है उसको अपने जो हस्बैंड है उसके पास ही छोड़ दिया। उसे जो जोन सिपले था वो ज़्यादा पसंद था, और फिर वो जोन सिपले है उसको अपने साथ लेकर वो चली गई। तो हैगर जो है अपनी कहानी को बताते हुए आगे बताती है कि आगे जो जो अपने अपने जो एक एक्टर है वो कहानी को बताती है कि जो जोन है उसे जो अर्लिन नाम की जो लड़की थी बहुत ही ज़्यादा पसंद थी, लेकिन मुझे जो जो अर्लिन थी वो बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि जो अर्लिन थी वो एक पुअर वूमेन थी, और मुझे ऐसा लगता था कि जो जोन है उसके साथ जो अर्लिन है उसकी लाइफ अच्छे से चलने वाली नहीं है। इसकी वजह से मैं जो अर्लिन है उसकी फैमिली से मिली और मैंने बोल दिया कि जो अर्लिन है उसकी मैरिज जोन के साथ नहीं हो सकती है, और मैंने जो जो अर्लिन है उसकी जो मैरिज प्रपोजल है अपने बेटे जोन के लिए उसको एक्सेप्ट कर लिया। मैंने जो जो अपने जोन की जो लाइफ है उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल है वो करना शुरू कर दिया था। और फिर जब जो जोन है उसको ये पता चला कि जो उसकी मदर है उसने जो अर्लिन है उसकी फैमिली में जाकर जो उनकी उनके जो रिलेशनशिप था उनकी जो मैरिज था उससे मना कर दिया है, तो जो जोन है उसको बहुत ही ज़्यादा जो बुरा है वो लगता है। उसने अब जो ड्रिंकिंग की जो हैबिट है उसको स्टार्ट कर दिया था, और एक दिन वो बहुत ही ज़्यादा जो ड्रिंक करके जो गाड़ी है उसको चला रहा था, और जो उसकी गाड़ी है उसका एक्सीडेंट हो जाता है, और जो जब उसका एक्सीडेंट होता है तो उसमें जो जोन है उसकी जो डेथ है वो हो जाती है। अब जो हैगर है वो अपनी कहानी को बताते हुए बोलती है कि जो मेरा फेवरेट बेटा था जोन उसकी डेथ हो गई है, और मेरे सामने जो मेरा बेटा था जोन उसकी डेड बॉडी की पड़ी हुई थी, लेकिन मेरी आंखों में एक भी आंसू नहीं था। मैं जो वुमेन की सारी के सारे जो क्वालिटी है उसको मैं खो चुकी थी, मैं एक पत्थर की बन गई थी। तो मुझे आज ऐसा लगा कि मैं मेरी लाइफ तो एक ऐसे जो स्टोन एंजल है उसकी तरह हो गई है, जिस तरह से जो स्टोन है उसमें किसी तरह का कोई इमोशन नहीं होता है, उसी तरह से जो मेरी लाइफ है मेरे अंदर भी कोई भी इमोशन नहीं है। अब जो हैगर है वो खुद को जो स्टोन है उसके साथ अपनी जो कंपेरिजन है वो करती है, और बोलती है कि मैं एक इमोशनलेस जो स्टोन है वो बनकर रह गई हूँ, और यही अपना जो ये वर्क है इसका टाइटल है। तो वो खुद को एक जो स्टोन एंजल है उसके रूप में प्रेजेंट करती है। ये अपनी लाइफ की सारी जो कहानी है वो मुरलीज को बता रही थी। तो जब वो मुरलीज को सारी की सारी जो कहानी है वो बता रही थी, तो जो मुरलीज है उसमें जो अपना सन है जोन उसकी परछाई उसको दिखने लग जाती है। उसे ऐसा लगता है कि जो उसका बेटा है जोन वो उसके सामने है। तो वो जो हैगर है वो मुरलीज को बोलती है, एज ए जोन वो उसको बोलती है कि बेटा मैंने तुम्हारी जो मैरिज है उसमें बहुत ही ज़्यादा जो रुकावट है वो की, लेकिन मैं अब जो अपनी लाइफ है उसमें पश्चाताप करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी मैरिज में किसी भी तरह का जो कोई भी रुकावट वो आने नहीं दूंगी, मैं तुम्हारी मैरिज करवा कर रहूंगी। और जो मुरलीज है वो भी जो उसका भ्रम है उसको तोड़ता नहीं है, और वो भी एज उसका जो सन है वो बनकर उसकी बातों को सुनता रहता है, और वो उसको माफ़ कर देता है। तो वो बोलता है कि मैं आपको माफ़ कर रहा हूँ, तो वो बोलता है कि मुझे आपसे किसी तरह का कोई शिकवा नहीं है। तो जो मुरलीज है वो हैगर को माफ़ कर देता है, इससे जो हैगर है उसको एक बहुत ही ज़्यादा जो संतुष्टि है वो मिलती है। उसके बाद जो मुरलीज है वो फैक्ट्री से बाहर निकलता है, और वो पुलिस के पास जाता है, और पुलिस के पास जाकर जो हैगर का जो बड़ा सन है मार्विन वो उसके पास जो मैसेज है वो भेजता है कि जो हैगर है वो मेरे पास है। अब जो हैगर है उसको लेने के लिए जो मार्विन और डोरिस सिपले हैं वो आते हैं, और जो अपनी जो मदर है उसको वो वहाँ से लेकर चले जाते हैं, और उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं, क्योंकि जो हैगर थी वो 90 ईयर ओल्ड वुमेन थी और वो बीमार थी, और सारी रात घर से बाहर रहने की वजह से वो और भी ज़्यादा जो बीमार है वो हो जाती है, उसको निमोनिया हो जाता है। इसकी वजह से इसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। लेकिन जो आज हैगर है उसको अपने जो पास्ट की सारी जो गलतियाँ हैं उसका पता चल चुका था, तो वो मार्विन और डोरिस सिपले है उनसे भी माफ़ी मांगती है, और बोलती है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत ही गलत समझा, लेकिन तुम रियल में एक बहुत ही अच्छे जो ह्यूमन बीइंग हो वो हो, तुम रियल में केयर करने वाले हो। तो यहाँ पर जो हैगर है वो मार्विन और डोरिस सिपले है उनसे भी माफ़ी मांगती है, और उसने लाइफ में जितने भी सीन किए थे पास्ट में उसने एज ए इमोशनलेस वूमेन के रूप में जितने भी सीन किए थे उनको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तो इसमें नॉवल में लास्ट में जो हैगर और मार्विन और डोरिस सिपले के जो कन्वर्सेशन है उसको प्रेजेंट किया गया है, लेकिन ये प्रेजेंट नहीं किया
किया गया है कि जो हैगर है वो हॉस्पिटल में ठीक होती है या उसकी डेथ हो जाती है, इसको क्लियर नहीं किया गया है। तो मुझे लगता है कि जो ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और कमेंट करके जो अपनी आपको ये कहानी है वो कैसी लगती ज़रूर बताना, तो कमेंट जरूर करना है। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।